1969 में शुरू हुए थे, लेकिन जो पहला सेमिनार यहां हुआ डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो ठाठरी में हुआ था। उसके दूसरे साल यही जून के महीने का सेमिनार था। दूसरे साल या तीसरे साल हो सकता, क्योंकि उस जमाने में बहुत जल्दी जल्दी से सेमिनार नहीं हुआ करते थे। तो दूसरा सेमिनार भद्रवाह में हमने किया था। जो ठाठरी का सेमिनार था वो सेमिनार दादा रुद्रनाथ जी ने लिया था। तो उस वक्त मुझे याद आता है कि बाबा अरेस्ट हो चुके थे। तो रुद्रनाथ जी आए तो मैं जंगलवाड़ में ही रहा करता था। तो आमतौर पर जम्मू से जो भी दादा लोग आते थे तो जंगलवाड़ में ही आया करते थे। तो उन्होंने वहीं पर सेमिनार रखा, तो हमने सेमिनार किया। दो दिन सेमिनार करते रहे हम। मुझे उम्मीद है कि शायद ऋषिला राम जी भी आए होंगे। कम से कम 20 आदमी थे और उसमें मल्होड़ी के लोग भी थे और दादा रुद्रनाथ जी के साथ तो हमने बहुत काम किया, यहाँ घूमे हैं और उन्हीं की दौलत बदौलत यहाँ पर ये जो आनंद मार्ग एस्टेब्लिश हुआ है उन्हीं की बदौलत हुआ है। तो पहला सेमिनार वहां हुआ, दूसरा भद्रवाह में हुआ। भद्रवाह में एक दादा जी आए थे, पतले लंबे और तमिल जानने वाले तो थे, वो तमिलनाडु के। तो नाम तो मुझे याद नहीं है उनका। तो सावन महीना में, ये जून के महीना में, अंदर से वो कमीज लगी है, उसके ऊपर स्वेटर लगी हुई है, स्वेटर के ऊपर ये जो आजकल वो गर्म जैकेट्स हैं वो लगाया हुआ है और कंधे गले में उन्होंने ये गुलबंद लगाया हुआ है। तो दादा जी आए मेरे पास उन दिनों में, फिर ठाठरी में था। तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा दादा जी इतनी गर्मी है तो ये आपने इतना क्यों बांधा हुआ? तो उन्होंने कहा मुझे सर्दी लगती है। मैंने कहा कैसे सर्दी लगती है? तो उन्होंने कोई मेडिकल बात बोल दी। उन्होंने कहा मुझ में हार्मोन्स की कमी है और ब्लड की कमी। तो ही वाज सो जेंटल कि मैं समझता था कि ये कैसे ये काम करते हैं, इतना जेंटल है, बाकी भी कर रहे हैं। लेकिन हमने वहां पर पहली बार गए सरोल बाग के पार, वो जो इलाका है उसमें हमने एक राजपूत घर देखा। तो वो मिलिट्री से रिटायर्ड लोग थे, तो वहां पर हम जाकर वहां गए। तो पहले ही दिन हमने जब बातचीत उनके साथ की तो चार आदमी को साधना मिली, चार आदमी को साधना दिए और सेमिनार हमारा हो गया। तो सेमिनार तो बड़ी देर से चले हुए। एक बात मैं बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता हूं क्योंकि जाना है। जमालपुर में जब हम एक बार गए तो बाबा के जनरल दर्शन में बाबा बोले, बाबा तो बहुत सीचे बोलते थे तो मैं बहुत शर्माता था, बोलने से बोल नहीं सकता था मैं। तो मैं चुप करके बैठा पीछे, मैंने कहा बाबा कहीं नहीं मुझे न पूछे। इतने में एक चीज बाबा कहते हैं राम राम खड़े हो जाओ। तो मैं उठा, कहते इस चीज का क्या जवाब है? तो मुझे कहा आया बिल्कुल नहीं आया। तो मैंने बाबा के साथ हाथ जोड़कर मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अच्छा बैठो बैठो, तुमको मालूम है मगर तुम बैठो। उसके बाद शाम के वक्त बाबा के साथ हमको वॉक करने जाते थे कब्र पर। तो उस कब्र पर जब उनके साथ हम चले गए तो तीन आदमी थे हम, ये जम्मू के चार ही आदमी हम साथ साथ थे। तो ये छोटी सी मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि शुरू शुरू में बाबा क्या करते थे। तो जब चले गए
वहां पर एक ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, उसको क्रॉस करके जब हम पार चले गए तो बाबा बोले, देखो जी ये आरएसएस के लोग बहुत बेवकूफ है। तो हम चारों आरएसएस तो बुरा तो हमें लगता नहीं था क्योंकि हमने आरएसएस छोड़ दिया था। फिर बाबा बोले, देखो जी ये आरएसएस के लोग बहुत बेवकूफ है बहुत। तो हमने तो कुछ नहीं बोला, चार पांच कदम आगे जाकर फिर बोले, ये आरएसएस क्यों है जी बहुत ही बेवकूफ। तो हमने तो कुछ नहीं बोलना नहीं था, आगे जाकर बोलते हैं देखो ये बेवकूफ क्यों है, इनके पास संगठन है, इनके पास संगठन है, बहुत ही मजबूत संगठन है, इनके पास कैडर है, बहुत ही मजबूत कैडर है, लेकिन इनके पास फिलॉसफी नहीं है। अगर ये लोग अनन्य मार्ग को अडॉप्ट करें, इट विल बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द होल वर्ल्ड। ये बाबा बोले, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर गए हम, तो बाबा ने क्या बोला, उन्होंने कहा बोला कि देखो जी आज सारी ये दूसरे दिन जनरल दर्शन में संडे था, तो जनरल दर्शन में बाबा बोले कि देखो जी हमें बहुत आदमियों की जरूरत नहीं है, आई वॉन्ट वन मार्गी इन एन एरिया ऑफ 120 miles, 20 mile रेडियस के बीच में मुझे सिर्फ एक मार्गी चाहिए, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। खैर बाबा जो बोल रहे हैं तो हैरानगी का तो सवाल नहीं है। मैंने कही ऐसी सोचते इंसान जो है वो सोचता रहता कि बाबा तो दोस्त है पता नहीं क्या बोलते। इसका मुझ पर एक्सपेरिमेंट हुआ, मैं जब जबलवाड़ में था तो मेरा काम यही था 24 घंटे बस आनंद मार्ग का प्रचार, आनंद मार्ग का प्रचार, आनंद मार्ग का प्रचार, ठाठरी में जाना, लोगों को चाय पिलाना बैठाना और आनंद मार्ग का प्रचार। लेकिन मेरे जो गाँव वाले थे डेड अगेंस्ट मी, और मेरे बिल्कुल नजदीकी मासियों के लड़के डेड अगेंस्ट मी। 7 साल वहां रहा, मैं उनको साधना नहीं दिला सका। अब दादा लोग आते थे तो मेरे पास ही बैठा करते थे। जिस वक्त मैं वहां से चला गया मैं हैरान हुआ, सारे के सारा गांव इनिशिएटिव हो गया, ये जमरवाड़ बिल्कुल कंप्लीट है। और वो हमारे जो बूढ़े भाई थे सब ने साधना ले ली। तो ये है बाबा का, आई वॉन्ट वन पर्सन इन ए रेडियस ऑफ 20 miles। उस जमाने में माइल बाबा माल ही बोलते थे, वो किलोमीटर वगैरह नहीं बोलते थे। तो ये है हमारी हिस्ट्री। तो एक मिनट दादा, हाँ तो मैं आप यहाँ के कल वाले सेमिनार के बारे में, मैं तो सुनना बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन दादा की वाणी से, दादा के स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के साथ मैंने देखा इतना कंप्रीहेंसिव ढंग से ये जो सेमिनार दादाजी ने कंडक्ट किया है, मैं समझता हूँ कि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच ए कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलॉसफी। तो ये भी थक गए, और हम लोग, मुझे तो कोई मालूम नहीं, आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपना ये करता हूँ, भाषण बंद कर देता हूँ, लेकिन एक भजन मैं गाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ये भजन मुझे बहुत प्यारा लगा, ये 20 भजन है, नंबर 20। तो इसके
इसमें एक चीज है बहुत बड़ी प्यारी जिसके लिए ये भजन मुझे प्यारा है। तो अगर आप बोल सकेंगे तो बोलना चाहिए। दूर का शेर तारा हो गो तुम आयामी जानी ना जानी ना जानी ना जानी ना दूर का शेर तारा हो गो तुम आयामी जानी ना जानी ना जानी ना जानी ना धीरे से पासे बोशो धीरे से पासे बोशो निजे के गोपन करो ना करो ना करो ना करो ना दूर आकाशेर तारा होगो तुम आया मैं जानी ना जानी ना जानी ना जानी ना। ये जो स्टेंट है ये सबको बोले बोलिए समझ भी है बहुत आसान है। दूर आकाशेर तारा होगो तुम आया